बोरिवली इलाके में यह देखिए सांसद गोपाल शेट्टी जी के हाथों स्वच्छ भारत अभियान संगीत जागृति ऑडियो एल्बम का उद्घाटन किया गया। इस एल्बम की संकल्पना, गीत और संगीत श्रीमती हेमांगी वामनराव महाड़िक पुजारी का है। गीतों की समीक्षक है डॉक्टर चित्रा महाड़िक ठाकुर। इस एल्बम के मुख्य गायक पद्मश्री कुमार सानूजी है। हेमांगी महाड़िक पिछले 10 साल से संगीत के क्षेत्र में कार्यरत है। वह प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को अपने गीत संगीत के जरिए सहयोग प्रदान कर रही है। इसके लिए बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने हेमांगी महाड़िक का सम्मान किया। इसी अवसर पर गायिका अनया सावन, पल्लवी जरीवाला और निवेदक उल्लास सुले जी भी सम्मान किया। इस मौके पर सदगुरु श्री श्री डॉक्टर मंगेश दा, समाज सेविका श्रीमती तुष्टि मानकर, नगर सेविका श्रीमती अंजलि खेड़कर, नगर सेविका बीना दोषी, श्रीमती जयश्री श्रीधर सावंत, रविंद्र परब, सेंट रॉक स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टी राजू देसाई, किरण मोटानी सहित सेंट रॉक स्कूल के भारी संख्या में विद्यार्थी इस समारोह में देखो उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये हमारी हेमांगी महाड़िक पुजारी है। ये हेमांगी मुंबई के जो मेहर वामनराव महाड़िक जी थे उनकी सुपुत्री है। ये अब यहाँ रहने के लिए आई हो, मेरे साथ में मेरे काम को प्रभावित होके मेरे साथ में जुड़ गई। मंगेश दा जो हमारी गुरुवरिया है, इनके साथ वो बहुत पहले से ही काम करती है। तो ये सारा सेवा भावी उनके पिता के जमाने से हेमांगी के आचार और विचार में था। उसके बाद में मंगेश दा के साथ में जुड़ गई तो धार्मिक क्षेत्र का थोड़ा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर बाद में मेरे साथ में जुड़ गई तो सामाजिक ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। और निश्चित है पूरे देश भर के लोग नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रभावित हुए। तो ये स्वच्छ भारत अभियान को गीत के माध्यम से लोगों तक कैसा पहुँचाना, उसका उन्होंने बहुत ही बड़ा अनोखा प्रयास किया। मैं निश्चित अपना भाव को प्रकट करते हुए, जब पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना सारा करते हैं तो भी हम लोग कभी कभी उसको मीट नहीं कर पाते, लेकिन एक सामान्य अननोन कार्यकर्ता जिसको मैं कहूँगा, उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके एल्बम बनाया। मैं 6 बार चुनाव जीता हूँ लेकिन मैं ये कर नहीं पाया जो हेमांगी ने किया है। तो निश्चित मैं पूरे नगरजनों के ओर से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। खुश हूँ और बहुत इमोशनल हो गया हूँ क्योंकि मेरी लड़की हेमांगी पुजारी महाड़िक, इनके पिताजी से मेरा बहुत अच्छे संबंध थे वामनराव महाड़िक जी से, और तभी ये छोटी थी। आज स्वच्छ भारत अभियान हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है और जिसको राजश्रय मिल गया, ऐसा मैं मानूंगा, तो हर जगह पे ये स्वच्छता अभियान करने में जिन लोगों ने सहायता की है उसमें से हमारी जो लड़की हेमांगी है, इसने तो अपने संगीत से उसको एक अच्छे ऊंचाई पे पहुंचाया है। माननीय हमारे गोपाल जी शेट्टी जी इतना बहुत अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इनका उनको पूरा सपोर्ट मिल गया है। और इसके साथ मैं खातिर से कह सकता हूँ कि संपूर्ण भारत जो है ये अपना स्वच्छता अभियान में आगे बढ़ेगा और हमारा जो राष्ट्र है एक संपन्न बढ़ेगा। मैं शुभाशीर्वाद देता हूँ हेमांगी को उसके आगे के सारे उसके प्रयोग के लिए। धन्यवाद। आज मैं हेमांगी सकी मैं माझ्या मुलीला आशीर्वाद द्यायला आले। आज इन्होंने जो स्पॉन्सरशिप दी इसके वजह से एल्बम है, तो उन्होंने आशीर्वाद पैसे के माध्यम से दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और आपके आभारी हूँ। तीरा माँ की उपासिका है, आज 9 दिन वो अजय जरा भी बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनका मौन सबको आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन इन्होंने भी उसका प्रयास किया कि इन्होंने हमें पैसे दिए इस एल्बम के लिए, तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और माँ भगवान को क्या शुक्रिया, ये तो हक से मांगा जाए। मेरे सदगुरु योगीराज डॉक्टर श्री श्री मंगेश दा, उनका आशीर्वाद है, मेरी माँ सृष्टि मानकर जी, और तो उन्होंने जो शुरुआत की उससे मेरा ये स्पॉन्सरशिप का अभियान शुरू हो गया। और आज जो ये संगीत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान संगीत जागृति, ये अभियान इसलिए मैं कहूँगी संगीत जागृति का कि ये अभियान मेरे अकेले से शुरू हुआ है। मेरे साथ अगर कारवा आता है तो भी अभियान रहेगा, कोई नहीं आता है तो भी, क्योंकि ये मैं एक ऐसे कुछ अभी एक स्कीम बनाने जा रही हूँ कि जो सिंगर्स को गाने का मौका नहीं मिल रहा है, अच्छे सिंगर्स है लेकिन वो प्लेटफॉर्म के लिए तरस रहे हैं, तो उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे। और ये नॉन कमर्शियल एक्टिविटी रहेगी पूरी तरह से, और अपना वक्त निकालना है लेकिन रोड के ऊपर गाना है, रोड पे खड़े होके गाना है, तो उसके लिए साहस चाहिए, शर्म नहीं चाहिए। लेकिन जो जिन्हें गाने की इच्छा है, हम लोग रिहर्सल करेंगे, 2 महीने में एक बार करेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत से परमिशन्स लेने पड़ते हैं, उसके लिए प्रयास मैं करूँगी। और
अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए हर एक को 100 घंटे बरस के देने हैं, तो मेरे स्वच्छ भारत अभियान के लिए 100 घंटे मैं इस माध्यम से, सांगीतिक माध्यम से दूंगी और मैं सबको जोड़ने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ मेरे सदगुरु योगीराज डॉक्टर श्री श्री मंगेश दा, उनका आशीर्वाद है, मेरी माँ सृष्टि मानकर जी। और इस स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने जो मेहनत की है उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता ही हूँ। और इस ऑडियो एल्बम में मेरी आवाज़ के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने अच्छे काम के लिए मेरी आवाज़ इस्तेमाल हो रही है। और आगे चलकर जब भी उन्हें मेरी आवाज़ की ज़रूरत पड़े मैं उनके लिए हाजिर रहूँगा, बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू। के प्रोग्राम के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये है ना बड़ी बहन इसने मुझे चांस दिया। और सबसे पहले तो आज ये मतलब ये लेवल पे जो हूँ मैं, इसकी वजह से हम तो साथ में ही करेंगे, टीम वर्क करेंगे और ऐसे ही आगे जाएंगे। पांगी पुजारी जी, इन्होंने जो मैं अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए मैं थैंक्स कहूँगी। और गोपाल शेट्टी जी, इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए भी थैंक यू कहूँगी। ये स्वच्छता अभियान मतलब हमारे संगीत के माध्यम से ये मैसेज लोगों की तरफ पहुँच रहा है, इसमें हम लोग को ज़्यादा हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि ये दोनों में हुनर है। ऐसे यहाँ पर जो गंदगी फैल रही है वो देख के अभी जो एक गीतकार होता है वो हमेशा सांगीतिक काव्यात्मक सोचने लगता है और अपने आप ऐसे होने लगा। और मैं इसका श्रेय सदगुरु योगीराज श्री श्री मंगेश दा को जी देती हूँ, क्योंकि मैं क्रिया योगी हूँ, क्रिया योग का मैं नित्य साधना करती हूँ और क्रिया योग का सामर्थ्य है अगर हर रोज़ उसकी साधना की जाए तो उसमें से हमें एक्सप्लोर होते हैं। मुझे पता नहीं, क्योंकि हर कलाकार जब बोलता है ये मैंने किया तब उसका वो अहंकार होता है। मैं नहीं कहती हूँ मैंने किया, ये सब उन्होंने मुझसे करवाया है भगवान ने और मैं माध्यम हूँ, लेकिन मुझे सूझने लगा। और एक 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 नहीं 9 गाने हैं, लेकिन फिलहाल स्पॉन्सरशिप के वजह से हमने इतने ही गाने बनाए हैं। और मैं भगवान को बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ये गाने सुझाए, इसका मतलब उन्हें लगता है कि मैं इसमें कुछ काम करूँ, तो मैं इनिशिएटिव ले रही हूँ। और हिम्मत चाहिए, क्योंकि पैसा जमा करना है, सब करना वो मैंने किया। 10 बरस से मैं गायन क्षेत्र में हूँ, बचपन से शौक था, लेकिन सदगुरु योगीराज श्री श्री मंगेश दा जी ने मुझे भक्ति संगीत का प्लेटफॉर्म दिया, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखने लगी गाना। मेरे गुरु जी जो अभी नहीं है, पंडित आत्मानंद आचरेकर जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनसे मैंने भाव प्रधान गायकी, पंडित यशवंत जी से भी मैंने भाव प्रधान गायकी सीखी, स्वरांजलि प्लस हमारे बोरीली का जो ग्रुप है वहाँ पर मैं सीख रही हूँ, अभी एक पहचान भी मिल गई है। लेकिन मुझे गीतकार और संगीतकार ये जो एक स्थान मिला वो 3 बरस पहले मिला मुझे। मैं पहले कविता लिखती थी, लेकिन अचानक से मैं गाने लिखने लगी, उसमें मुझे धुनें आने लगी, ये सब क्रिया योग का सामर्थ्य ही है। और फिर मैंने सोचा कि अपना एल्बम बनाऊं और मैंने स्वर स्पंदन एल्बम बनाया, जो मेरे पिताजी वामनराव महाड़िक जी और मेरे माँ लक्ष्मीबाई वामनराव महाड़िक और मेरे श्री स्वामी समर्थ श्री गजानन महाराज, मेरी एकवीरा माता और मेरे सदगुरु योगीराज श्री श्री मंगेश दा को मैंने समर्पित किया है। और उसके गाने हर अलग किस्म के बनाए गए हैं, एक ही किस्म का नहीं। लेकिन इसके बाद मैंने ये एल्बम, लेकिन ये वो एल्बम मैंने खुद का बनाया प्रोड्यूसर, ये मैंने समाज को साथ में लेके किया कि क्योंकि अच्छा काम कर रही हूँ तो सब साथ में आइए। लेकिन क्या हुआ, मेरे अपने लोग ही ने मुझे बिना पूछे गाने सुने भी नहीं मेरे, तू कर रही है ना, चल अच्छा ही होगा, तुझे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे ही होता है। लेकिन अभी ये सिर्फ गाना बना के नहीं होता है, उसे आगे लेके जाना है, तो उसके लिए मैंने सोच लिया है। सेंट रॉक स्कूल से बात हो चुकी है हमारी, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और स्पीड थोड़ा रहेगा, क्योंकि ये सोशल एक्टिविटी है, हर एक को अपने काम है, लेकिन इसमें से सिंगर को भी आनंद मिलेगा और लोगों को हम लोग उसमें से एक जागृति के मैसेजेस भी देंगे। सिंगर्स के लिए नहीं, अभी मैं एक ऑल इंडिया म्यूजिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया सिंगर्स एसोसिएशन, क्योंकि सारे सिंगर्स को उसमें इनविटेशन है, इसलिए मैंने ऑल इंडिया रखा है। प्रैक्टिकली तो मुझे मुंबई पॉसिबल है, क्योंकि मुझे जाने को मुंबई पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन पर आजकल सब कुछ होता है, तो ये यहीं पर हमें सिंगर्स को ही इनविटेशन है कि आपको मौका नहीं मिल रहा है ना प्लेटफॉर्म के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए सिंगर्स तरसते हैं, हमें पता है वो क्या है। और लोगों को पैसे दे के गाना पड़ता है कि मैं आपको पैसा देता हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, तो हम ऐसे करने जा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं देना है, वहाँ पर आना है, रिहर्सल को आना है, वहाँ हम लोग वेन्यू रहते सर, और अच्छे तरह से गाने का आनंद लो और समाज की सेवा करो, और ये टोटल नॉन कमर्शियल एक्टिविटी रहेगी।